हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू का। तो पार्ट टू जिसके पास भी है, चाहे आप एसएल में हो, रेगुलर में हो, एनसी वेब से हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, मैटर नहीं करता भाई। मैटर ये करता है कि आपके पास बुक्स कौन सी है। अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू की बुक है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर हम लाइन वाइज चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा रहे हैं फटाफट एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। अब आपको आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भाई चैप्टर नंबर 10। और इससे पहले वाले चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइन वाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, वहां मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको, वहां मेरे सारे चैप्टर्स के लिंक लाइन से मिल जाएंगे। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम अमाउंट नोट्स की पीडीएफ का 130-140 रुपीज है, जिसको पे करके आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। पीडीएफ में सारे चैप्टर्स को ब्रीफली समझाया गया है, शॉर्ट नोट्स है, मुश्किल से 40-45 पेज की पीडीएफ है, सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको बाय करने हैं तो जाइए फटाफट से मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और हाँ, अब देखो भाई, मैं चैप्टर आज जो शुरू करने जा रहा हूं, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, चैप्टर नंबर 10 है इंटरनेशनल ट्रेड एंड एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। तो जिसका वर्ड आ रहा है ना, क्या वर्ड आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड। पहले आप इसका मतलब समझो, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड से पहले हम पहले सीखते हैं सर, ये वर्ड जो ट्रेड आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। भाई ट्रेड का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। ट्रेड क्या होता है, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो मैंगो बनाता है, क्या बनाता है, मैंगो के पेड़ है इसके पास, ठीक है। पर्सन बी के पास क्या है, गाय है, काऊ की फैक्ट्री है, बोल सकते हो काऊ का फार्म हाउस है, गाय है बहुत सारी, दूध प्रोड्यूस करता है। अब मान लो दोनों के दोनों एक दूसरे को, ये इसको अगर मान लो थोड़े से आम दे दे और ये अपनी गाय से थोड़ा सा दूध इसको दे दे, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रेड। ट्रेड यही तो होता है, जब आप किसी चीज का आदान प्रदान करते हो उसको ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी को कोई चीज दो और बदले में उससे उसकी कोई चीज लो, तो इसको ट्रेड कहा जाता है। तो ये होता है नॉर्मली ट्रेड, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रेड। समझ आ गया, चलिए जी आगे थोड़ा और ब्रीफ में समझेंगे ट्रेड क्या होता है। व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है। तो लिखा है मैंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्या लिखा है मैंने, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड रिसोर्सेस। मतलब कि आप कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सेवाएं या फिर कोई भी तरह के संसाधनों का जब आदान प्रदान करते हो बिटवीन इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमिक में, इस कॉल्ड एज ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। आप किसी भी वस्तु या सेवाओं का या अपने संसाधनों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हो कहीं पर भी, तो वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड देखो दो तीन तरह के होते हैं। पहला ट्रेड क्या होता है, जब आप मान लो अपने सामान को कंट्री से बाहर कहीं ले जाके बेचो। जैसे ये ए है, ये बी है, ए पर्सन जो है ये इंडिया में रहता है, ये कहां पे रहता है, ये पर्सन इंडिया में रहता है, और जो पर्सन नंबर बी है ये रहता है अमेरिका में, मतलब कि यूएसए में, ठीक है। तो अगर आप अपने मालों को इंडिया से, अपने मैंगो को इंडिया से यूएसए में भेज रहे हो, तो ये कहलाएगा इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जहां पर आपको अपनी कंट्री की बाउंड्री पार करनी पड़ जाए वहां वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में यूएसए से अगर आपको ये काउ मिल्क भेज रहा है यहाँ पे इंडिया, तो इसको भी अपना यूएसए की बाउंड्री पार करके इंडिया लाना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जहां पर हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। यहां पे लिखा है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, भाई दो कंट्रीज की बात कर रहा हूं। अगर दो कंट्रीज में कुछ आदान प्रदान, मतलब कि यहां से उधर कुछ जा रहा है या उधर से इधर कुछ आ रहा है, उस ट्रेड को दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो ये जो वर्ड है ना कंट्रीज, याद रखना, इसको ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड।
ठीक है। अगर मान लो दो कंट्रीज के बीच में नहीं हो रहा, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कोई चीज नहीं जा रही, आप इंडिया में हो और इंडिया से ही इंडिया के किसी राज्य में मतलब स्टेट में कुछ भेज रहे हो, उसको कौन सा ट्रेड बोलेंगे? सर उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। कह रहा है ट्रेड बिटवीन सेम कंट्री, मतलब इंडिया से इंडिया में ही माल कहीं जा रहा है। हाँ स्टेट कोई भी हो सकता है, मान लो मैं दिल्ली में हूँ तो मैं हूँ तो इंडिया में ना, और सामने वाला जो है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु भी इंडिया में है। तो अगर मान लो मैं यहां से बेंगलुरु कुछ भेज रहा हूँ, या मैं यहां से मुंबई कुछ भेज रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ, या मैं दिल्ली से कन्याकुमारी भेज रहा हूँ, कश्मीर भेज रहा हूँ, कर्नाटका भेज रहा हूँ, या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भेज रहा हूँ, तो ऐसी कोई भी जगह जो एक कंट्री के अंदर ही आती है, वो जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को जो दो रीजन के बीच में होता है उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल समझ आ गया, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है इंडिया टू यूएसए उसको डोमेस्टिक बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल लिख लेना IND इंडिया से यूएसए, और अगर मान लो आपको डोमेस्टिक ट्रेड का लिखना है तो आप लिख लो दिल्ली से मुंबई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्रेड है दिल्ली से मुंबई, मतलब कि सेम स्टेट है जहाँ, तो मतलब स्टेट अलग अलग है और कंट्री सेम रहनी चाहिए, बस कंट्री याद रखना, कंट्री सेम है तो डोमेस्टिक, कंट्री डिफरेंट है तो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और आपको अब मैं बताऊंगा व्हाई डू पीपल ट्रेड, लोग जो है वो ट्रेड करते क्यों है। पहली बात तो ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है, ट्रेड क्यों करते हैं? तो भाई आप इसको ऐसा समझो, दुनिया में ना दो ही लोग हैं, ऐसा समझो दुनिया में धरती पे सिर्फ भगवान ने दो ही क्रिएचर बनाए हैं, एक बनाया है गोरो गोरी और एक बनाया है कालो। ठीक है, एक बनाई है गोरी और एक बनाई है कालो। तो भाई एक है गोरी और एक है कल्लो, कल्लो बोल लो कालो बोल लो कुछ भी बोल लो, ठीक है, दो ही क्रिएचर बनाए हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ व्हाई डू पीपल ट्रेड, लोग ट्रेड क्यों करते हैं। तो ये समझो दुनिया में भगवान ने सिर्फ दो ही क्रिएचर बनाए हैं, एक का नाम है गोरी एक का नाम है कल्लो, गोरी कल्लो। भाई जो गोरी है ना इसके पापा ने ना इसको बहुत सारी गायें दे रखी है। गोरी के पापा आप बोलोगे आप कैसे आ गए धरती पे, तो दो ही क्रिएचर है भाई, दे के टपक गए हो निकल लिए। ठीक है, पतली गली से। भाई सुनो गोरी के जो पापा थे ना वो बड़े गाय वाले थे, दूध दूध निकाला करते थे, दूध वाले थे, पहले दूध बेचा करते थे गोरी के पापा। तो गोरी के पापा ने जब टपक गए तो गोरी के पास सारी गायें आ गई, तो गोरी के पास है पूरा का पूरा काओ का फार्म हाउस। किसका? काओस का फार्म हाउस, वो दूध प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ है कालो, हमारी जो कालो है ना इसके पास बागान है, पोटैटो के खेत है। क्या है इसके पास? खेत। ये गाय वाय नहीं पालती, ये खेती करती है। इसके जो पापा थे इसके जो दादा थे उन्होंने इसको खेत दिया है रियासत में और ये वहां से वो टपक गए। तो भाई सुनो गोरी और कालो अब क्या करती हैं? गोरी और कालो दो ही क्रिएशन है, गोरी करती है गाय का धंधा और जो कालो करती है वो खेती करती है। अब कालो जो है अपने खेत में उगाती है पोटैटो और गोरी उगाती है मिल्क। तो गोरी उगाएगी नहीं, गोरी प्रोड्यूस करती है, गाय से निकालती है। ठीक है, तो गोरी निकालती है दूध और जो कालो निकालती है पोटैटो निकालती है, मतलब कि खेती करती है पोटैटो की करती है। ठीक है, अब सुनो दो ही प्रोडक्ट है, एक है मिल्क एक है पोटैटो। मैंने बताया था कि धरती पे दो ही क्रिएचर है गोरी कालो, अब दो ही प्रोडक्ट है, एक है मिल्क और एक है पोटैटो। ऐसा सपोज कर लो कि दुनिया में दो ही प्रोडक्ट बचे हैं, एक पोटैटो और एक मिल्क। ठीक है, सुनो अब जो गोरी है वो क्या करती है? गाय का धंधा करती है, तो वो मिल्क पिएगी। गोरी के पास दूध तो बहुत सारा होगा, क्या उसको दूध की कमी होगी? नहीं होगी। तो गोरी के पास दूध तो बहुत है, पांच क्वांटिटी मान लो 5 लीटर दूध रोज का वो निकालती है, रोज उसको 5 लीटर दूध आराम से मिल जाता है, 5 लीटर रोज का मिलता है। ठीक है, और जो हमारी कालो है, कालो के पास है खेती, तो कालो जो है रोज फार्म से 8 किलो आलू निकालती है, रोज डेली का 8 किलो आलू उसको प्रोड्यूस हो रहा है, 8 किलो आलू 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 आलू। ठीक है, अब देखो गोरी जो है और कालो जो है, पहले दिन गोरी ने क्या खाए? पहले दिन गोरी ने दूध पिया मतलब मिल्क, दूसरे दिन गोरी ने क्या पिया? मिल्क, तीसरे दिन मिल्क 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 मिल्क। अरे बस भाई 10 तो जाएगी, ज्यादा मिल्क पी लेगा। ठीक है भाई सुनो, अब कालो क्या कर रहे हैं? रोज क्या खा रहे हैं? पोटैटो 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 पोटैटो, रोज कालो पोटैटो पोटैटो खा रही है। ठीक है, अब दोनों का ना क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ना उनका दिल भर जाएगा और वो बोर फील करेंगे एक दूसरे से, वो क्या करेंगे कि यार रोज सेम चीजें, आपको मैं सेम चीजें खिलाऊं रोज बोर नहीं जाओगे? तो ऐसे ही गोरी और कालो जो है वो बोर हो जाती हैं। ठीक है, दोनों सोचती है कि ना एक है गोरी नाम की लड़की एक कालो नाम की लड़की, तो वो सोचते क्यों ना हम एक दूसरे से अदला बदली कर ले सामान की, थोड़ा सा स्वाद में चटकारा भी आ जाएगा, आहा लाजवाब स्वाद आ जाएगा, ये थोड़ा आलू खाने का मन कर रहा था इसका और इसका थोड़ा दूध पीने का मन कर रहा था। तो दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को इसको इसने सामान भेजा, इसको इसने सामान भेजा और यहां से शुरू हुआ ट्रेड। क्या हुआ? ट्रेड। अब देखो क्वेश्चन आता है फिर वही वापस घूम फिर के, व्हाई डू पीपल ट्रेड, लोग ट्रेड क्यों करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ
सिंपल सी रिक्वायरमेंट है भाई। ट्रेड इसीलिए किया जाता है, हो सकता है कुछ चीजें लिमिटेड होती हैं किसी किसी के पास, जैसे गोरी और कालों के पास, एक के पास खेती है और एक के पास गाय के फार्म हाउस है, तो वो एक दूध दूध पी रही है और एक पोटैटो पोटैटो खा रही है, तो दोनों बोर हो जाएंगे ना, तो लोगों को वैरायटी चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए, तो इसलिए वो ट्रेड करते हैं, पहली चीज तो इसके लिए। और दूसरा कि ट्रेड से आपको हमेशा गेन होता है, फायदा होता है, जैसे गोरी और कालों को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि गोरी को मिल गया यहाँ पे पोटैटो और कालों को मिल गया गाय का दूध, तो यहाँ पे थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए टेरे पीपल ट्रेड बिकॉज दे आर गेन फ्रॉम ट्रेड, वो क्या करते हैं गेन निकाल रहे हैं, प्रॉफिट मिलता है ट्रेड करने से भी, इसलिए प्रॉफिट में हम जो है ट्रेड करते हैं, जो लोग हैं वो ट्रेड करते हैं। कह रहा है व्हेन कंट्रीज सेल गुड्स और सर्विसेज टू अनदर, जब जहां पर जो कंट्रीज है, अगर मैं बात करूं कंट्रीज की मतलब देशों की, जहां देश एक जगह एक चीज को बना रहा है, जैसे इंडिया, इंडिया मान लो बहुत सारा सोना प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी माइनिंग है, खाने हैं इंडिया में, ठीक है, हालांकि होगी नहीं बट हाँ है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लो इंडिया बहुत सारा सोना प्रोड्यूस कर रहा है और जो यूएसए है वो बहुत सारा कोयला प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जिससे ट्रेन वगैरह चलती है। तो अब इंडिया जब कोयला प्रोड्यूस करता है तो इंडिया के यहाँ पे कोयले की खानी नहीं है, और ऐसे ही सेम जो यूएसए है उनके पास सोने की खानी नहीं है, तो अगर हम एक दूसरे से ट्रेड कर ले तो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा ना, तो यही काम होता है ट्रेड में, ट्रेड हमेशा बेनिफिट देता है, इसलिए ट्रेड को करा जाता है, ठीक है। और देखो टोटल क्या है, पांच मिल्क है, पांच पोटैटो है, अगर ये दोनों से एक दूसरे से बांट लें, सॉरी पांच मिल्क है और आठ पोटैटो, अगर एक दूसरे से ट्रेड कर लें तो दोनों का ही बेनिफिट है इसमें, है ना, दोनों को वैरायटी भी मिलेगी चेंज करके खाने की, और दोनों खुश भी रहेंगे, दोनों को सेम सेम खाना भी नहीं पड़ेगा, है ना, समझ आ गया। तो ये होता है ट्रेड, जो पीपल लोग ट्रेड करते हैं वो इसीलिए करते हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रेड, एब्सोल्यूट ट्रेड की थ्योरी। भाई देखो ट्रेड के अंदर ना एक एडम स्मिथ नाम के प्रोफेसर आए थे जिन्होंने एक एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी बताई थी। क्या होता है एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी, पढ़ते हैं भाई। देखो कह रहा है ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना एज ए टीज याद रखनी है, एज ए टीज, ठीक है, इसको आपको ऐसा का ऐसा ही लिख के आना है एग्जाम में, तभी नंबर अच्छे आएंगे। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन बाय एडम स्मिथ, ये कॉन्सेप्ट हमारे कुच्ची उच्ची भैया जिसका नाम था एडम स्मिथ उन्होंने दिया था। किसका नाम है, कुच्ची उच्ची भैया, अरे कुच्ची उच्ची बोला मैंने, ठीक है, कुच्ची उच्ची नहीं बोला भाई, कुच्ची उच्ची भैया जिसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो प्रोफेसर थे इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, कौन सी बुक भैया, बुक का नाम तो बताओ भाई, बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर इन्होंने एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ ट्रेड के बारे में पहली बार जिक्र करा था, ठीक है। ये बुक पब्लिश कब हुई थी भाई, ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, कब पब्लिश हुई थी 1776 के अंदर, और इसको डेवलप कब किया गया था थ्योरी को, 18th century में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रेड जो है डेवलप हुई थी, किसके द्वारा, कुच्ची मुच्ची भैया मीन्स एडम स्मिथ के द्वारा, और बुक कब पब्लिश हुई थी इनकी 1776 के अंदर, बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आ जाते हैं थ्योरी ऑफ ट्रेड, थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या कहती है, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या कहती है भाई, ये कहती है कि जो कंट्री है ना उसको वही माल बनाना चाहिए जो उसके लिए बहुत चीप हो और बहुत स्पेशलाइज हो, मतलब कि जो कंट्री जिस माल को बनाने में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उस वर्ड को, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मतलब कि स्पेशलाइज्ड हो, हाँ वर्ड आ गया मेरे ख्याल, स्पेशलाइज्ड कह रहा है, वो माल एक कंट्री को बनाना चाहिए जिसमें वो बहुत ही ज्यादा निपुण हो, हाँ याद आ गया ना, निपुण हो, स्पेशलाइज्ड हो, और जिस चीज को बनाने में उसको बहुत दिल करे और जिसमें उसकी कॉस्ट कम आए, मेन चीज क्या है, चीप चीप चीप, मेरी बात याद रखना, चीप चीजें भाई, जिसमें बनाने में कॉस्ट कम आती है वही चीजों को कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कहती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रेड की। अब सर ये बताओ अगर मान लो एक कंट्री चीप चीजें प्रोड्यूस करेगी तो महंगी वाली चीजें अगर खाने का मन हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा रूल है, आप चीप चीजें तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना, वो आप प्रोड्यूस करो, अगर महंगी चीजें खाने का मन करे तो आप दूसरी कंट्री से उसको बाय कर लो, मतलब कि खरीद लो उसको, ठीक है। तो ये कहती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रेड, जहां पर आपकी कॉस्ट ज्यादा आए तो आप दूसरी कंट्री से उस चीज को मंगवा लो, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा और इससे क्या होगा, ट्रेड में वृद्धि आती है, ठीक है। तो क्या रहा वही चीज, थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या जा रही है, ए कंट्री पर्सन ऑफ ए फर्म दैट कैन प्रोड्यूस ए गुड्स मोर चीपली, कह रहा है मोर चीपली मतलब बिल्कुल सस्ती जो चीजें होंगी ना एक कंट्री में एक पर्सन को एक फर्म में यही प्रोड्यूस करनी चाहिए, कह रहा है अदर द सेट टू एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी इज प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स, कह रहा है प्रोड्यूसिंग
यही गुड्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एडवांटेजेस ये कहती है। अगर गुड्स महंगे हैं तो आप दूसरी जगह से उसको परचेज कर लो, डायरेक्ट बाय कर लो, सिंपल सा रूल है भाई। देखो अगर आप बर्गर खाने जाते हो, बर्गर की एक शॉप है, छोटी सी शॉप लगा लो बर्गर की, अगर वो बर्गर वाला बर्गर की कॉस्ट आपको दे रहा है 150 रुपए का एक बर्गर है, घर में वही बर्गर आप 20 से 30 रुपए में बना रहे हो तो दिक्कत क्या है? घर में अगर 20-30 में बन रहा है तो कह रहा है घर से खा लो। अगर घर की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, घर में बनाने में वो बर्गर आपको 150 का लग रहा है सामान वगैरह लगा के, गैस चूल्हा जला के, मसाले वगैरह मिला के खरीद के, पत्ता गोभी वगैरह प्याज वगैरह डाले, तो वो बर्गर अगर बाहर 20-30 में मिल रहा है और आपको घर में 150 की कॉस्टिंग आ रही है तो घर में बनाना बंद करो, बाहर से इंपोर्ट कर लो, सीधा बाहर से जाके खाओ उसको खरीद के, ठीक है? तो ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है? अब मैं इसको आपको डायग्राम और एग्जाम्पल की मदद से समझाने वाला हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, नोट्स परचेस करने हैं तो भाई नोट्स के लिए नंबर हो रहा, उस नंबर पे जाके मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो पे करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हो सारे चैप्टर के। अब इसको उतारो फटाफट से, आगे लिखवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आगे का टॉपिक, जो मैंने अभी बताया था वो आपने उतार लिया होगा। अब हम शुरू करने वाले हैं जो एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ ट्रेड था, मतलब एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थे, तो उसके डायग्राम के साथ मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ। तो दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल ये वाला है, ठीक है? दोनों की मैं डायग्राम और प्लस जो उसके साथ साथ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको कैसे करना है दोनों चीजें मैं समझाऊंगा। पहली चीज शुरू करते हैं यहाँ से भाई, देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल है मेरा, एक कंट्री है, ठीक है? कंट्री में एक दो देश हैं, जैसे ट्रेड होता है, ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, ठीक है? तो मैंने दो कंट्री लिए, एक है इंडिया, एक है यूएसए, ठीक है? इंडिया जो है ये प्रोड्यूस करती है राइस और वीट, और जो यूएसए है वो प्रोड्यूस करती है राइस और वीट, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, प्रोड्यूस करने की पावर अलग अलग है। ध्यान से देखना, यह है प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले का जो प्रोडक्शन है ना, अभी ट्रेड हुआ नहीं है। नीचे में देखो प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड हो चुका है उसके बाद के ग्राफ है, यहाँ पे ट्रेड होने से पहले का ग्राफ है, ठीक है? तो पहले ये समझेंगे, तो यहाँ पे एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है यूएसए। अब ट्रेड होने से पहले जो इंडिया है ना, ये अपनी एक घंटे मतलब कि एक लेबर को लगाता है एक घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। अगर ये एक लेबर एक घंटे के लिए लगाता है तो ये कम से कम 10 किलोग्राम राइस को उत्पन्न कर लेता है इंडिया। सेम अगर ये एक घंटे के लिए एक लेबर को लगाता है तो ये 10 किलोग्राम गेहूं उत्पादन कर लेता है, कौन? इंडिया, ठीक है? अब यहां पे बात करें अगर यूएसए की, तो यूएसए भी सेम एक लेबर को लगाता है एक घंटे के लिए, तो इसको सिर्फ 4 किलोग्राम जो है वो राइस मिलता है। अगर सेम चीज एक लेबर को एक घंटे के लिए लगाता है तो इसको 8 किलोग्राम गेहूं मिलता है। देख रहे हो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडिया की प्रोडक्शन रेट जो है वो हाई है, किससे? यूएसए से। यूएसए जो है वो कम प्रोड्यूस कर पा रहा है, जबकि दोनों में फिक्स लेबर और फिक्स टाइम एक घंटा लगाना पड़ रहा है फिर भी। अब इनका अगर मैं टोटल करूं तो राइस और दोनों को राइस मिला के टोटल मिलता है 14 किलो, और दोनों को गेहूं मिला के मिलता है 18 किलो। तो ये है अभी की प्रोडक्शन जब हम बिना ट्रेड के कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ ट्रेड होने से पहले। अगर हम इसी को ट्रेड में समझे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, तब ध्यान से सुनो। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों में देख सकते हो कि राइस और वीट दोनों ही बराबर क्वांटिटी में पैदा कर रहे हैं, हम एक लेबर लगाएंगे बराबर क्वांटिटी में। मैंने देखा कि हम ना चलो एक चीज को कम कर देते हैं और एक चीज को बढ़ा देते हैं, हम ना एक चीज को दूसरी कंट्री से ट्रेड कर लेंगे। तो हमने देखा कि जो यूएसए है ना, ये गेहूं ज्यादा उत्पादन कर सकती है, हाँ हमसे ज्यादा नहीं कर रही बट गेहूं ज्यादा कर सकती है और हमें ट्रेड भी करना है। तो हमने बोला भाई यूएसए को कि आप वीट उगाओ और हम सिर्फ राइस उगाएंगे, ठीक है? तो हमने क्या करा, जो लेबर मेरी एक लेबर मेरी वीट के ऊपर जा रही थी और एक घंटा ले रही थी, यही एक लेबर और मैंने बढ़ा दी राइस के ऊपर इंडिया में। तो जब मैंने आफ्टर ट्रेड, अब मैं ट्रेड के बाद का बता रहा हूं, जब ट्रेड होने लगा तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, अपनी लेबर बढ़ा दी मैंने राइस के ऊपर। मैंने बताया था ना पहले राइस 10 किलोग्राम उग रहा था क्योंकि एक लेबर लगाई थी एक घंटे के लिए लगाई थी। अब यहां पर जो मैंने वीट में लेबर दे रखी थी, वीट वाली लेबर को मैं उठाकर राइस में ले आया, तो जब मैंने एक लेबर और इसमें लगा दी तो लेबर कितनी हो गई? सर लेबर हो गई 2, दो लेबर हो गई, और टाइम कितना है? सिर्फ एक घंटा। एक घंटे में दो लेबर मिलके मेरे 20 किलो चावल का उत्पादन कर रही है। ठीक
ठीक है। और अब मैंने क्या करा, अब यूएसए ने बोला ठीक है आप राइस उगा रहे हो, आप राइस हमको दे देना और हम वीट आपको देंगे, तो अब हम ना हम राइस उगाएंगे नहीं। तो ये यूएसए क्या बोली कि मैं राइस नहीं उगाऊंगी, मैं सिर्फ वीट उगाऊंगी, आप राइस उगाओ। मैंने बोला ठीक है। अब यूएसए ने 4 किलोग्राम चावल उगा के उगाना बंद कर दिया, तो इसकी एक लेबर बच गई, 1 घंटे का टाइम बच गया जो कि इसके ऊपर खर्च हो रहा था। अब इसने ये सारा चीजें इसके ऊपर लगाना चालू कर दिया, तो ये 8 का डबल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 16, क्योंकि यहाँ पर एक लेबर पहले थी, एक लेबर इसने यहां से हटा के राइस वाले से गेहूं पे लगा दी, तो जो हमारा राइस था, राइस की क्वांटिटी 0 हो गई और वीट की क्वांटिटी डबल हो गई क्योंकि इसकी लेबर यहाँ आ गई। ऐसे इंडिया में वीट की लेबर 0 हो गई, पहले 10 थी, 0 आ गई क्वांटिटी, यहाँ पे बढ़ के राइस में आ गई। अब दोनों का टोटल उत्पादन देखो, ये कितना हो रहा था 14 और ये 18, दोनों को कैलकुलेट करो जरा, प्लस करना 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल, 1 2 3 32 आया, इनको कैलकुलेट करो 20 और 16 कितना हो गया 46, कितना हो गया सर, सॉरी 46 नहीं हो गया 36, कितना हो गया 36। तो पहले जो प्रोडक्शन 32 हो रहा था, अब वो प्रोडक्शन बढ़ के 36 होने लग गया मेरा। तो ये अच्छा सौदा है या बुरा सौदा है, अच्छा सौदा है, दोनों के लिए फायदा है, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहां पर ये चीज दिखाता है प्रोडक्शन से पहले का ट्रेड, और जब प्रोडक्शन बढ़ा, जब दोनों ने मिलकर काम किया, एक एक क्वांटिटी कम कर दी, एक एक क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, तब कैसे हुआ, ठीक है। ये था एक एग्जाम्पल। चलिए जी, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इस तरीके से, ये वाला, अब यही वाला एग्जाम्पल यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज है, दो कंट्री है, एक है इंडिया एक है अमेरिका, दो कंट्री मैंने ले रखी है। ये है प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला जो है इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले का है, और यहां वाला इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद का है। बाद क्या हुआ, देखो जब इंटरनेशनल ट्रेड पहले नहीं हो रहा था, तब क्या हो रहा था कि इंडिया जो है वो 2 क्वांटिटी में तो राइस उगा रहा था, मतलब कि 2 किलो राइस उगा रहा था, और सेम कंडीशन है, एक लेबर 1 घंटा मिलकर 2 किलोग्राम राइस उगा रहे थे बस, ठीक है। प्रोडक्शन का इंटरनेशनल ट्रेड होने से पहले का बता रहा हूं, देखो। अब उसके बाद इंडिया जो है चावल कितना उगा रहा था 2 किलो, और गेहूं कितना उगा रहा था 4 किलो, गेहूं में भी एक लेबर 1 घंटा जा रहा था, फिर भी गेहूं 4 किलो उग रहा है और ये इतना उग रहा है। अमेरिका क्या कर रही है, अमेरिका का उल्टा चल रहा था, अमेरिका जो है चावल तो ज्यादा उगा रही थी, मतलब की एक लेबर 1 घंटे में 4 किलो चावल उगा रही थी, और अमेरिका के गेहूं कितने उग रहे थे, एक लेबर 1 घंटे में 2 किलो यहाँ पे गेहूं उगा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों ने देखा कि दोनों का बेनिफिट कितना हो रहा है, सर दोनों का टोटल आ रहा है 6 और 6, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 6 और 6, हमने देखा दोनों में ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करा, हमने ये देखा कि कौन सी जो कंपनी है, या बोल सकते हो कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा चीज में स्पेशलाइज है। तो जो इंडिया थी ना वो ज्यादा क्या उगा रही थी, गेहूं या चावल, तो भाई इंडिया गेहूं उगा रही थी ज्यादा, वीट। तो हमने बोला इंडिया को वीट वाला डिपार्टमेंट दे दो, इंडिया अब से वीट ही उगाएगा, और जो अमेरिका है वो क्या उगा रही थी सबसे ज्यादा, चावल। तो हमने अमेरिका को कहा कि आप जो है वो चावल उगाओगे, ठीक है, और जो गेहूं का जो सॉरी जो इंडिया है वो जब गेहूं उगाने लगा ज्यादा, तो जो चावल है उसको उसने बंद कर दिया उगाना, तो चावल के प्रोडक्शन को बंद कर दिया, और इसके ऊपर जो लगने वाला टाइम और लेबर थी वो शिफ्ट कर दी गेहूं पे। ऐसे अमेरिका ने गेहूं को बंद कर दिया उगाना, क्योंकि वो इंडिया उगा रही थी, इंडिया से ट्रेड हो जाएगा वो तो, और जो चीप चीज है, चीप मतलब जिसमें वो स्पेशलाइज्ड थी चावल में, तो इसमें की लेबर यहाँ पे डाल दी उसने, 1 घंटे का टाइम और अपनी लेबर यहाँ दे दी, तो इसका प्रोडक्शन डबल हो गया। तो हुआ क्या, आफ्टर प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड क्या हुआ कि जो राइस है ना वो तो इंडिया के 0 हो गए, मैंने बताया था ना राइस को उगाना बंद कर दिया, क्योंकि सारे फैक्टर कहाँ दे दिए, वीट में। अब वीट जो है वो डबल हो गया, 4 से कितना हो गया 8 हो गया वीट। ऐसे ही अमेरिका का, पहले ये 4 था, अब ये 4 से डबल हो गया 8 हो गया चावल, और गेहूं कितना हो गया 0। तो दोनों का टोटल देखो 8 और 8 16, इन दोनों को जोड़ो 8 और 8 16, ये हो गया 16। पहले 6 और 6 कितना हो रहा था 12, तो देख रहे हो प्रोडक्शन बढ़ के 16 हो गया, 12 था अब 16 हो गया जब हमने ट्रेड को शुरू करा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड, एब्सोल्यूट ट्रेड। एब्सोल्यूट ट्रेड क्या बोलता है सर, ये बोलता है कि जिसमें आपको ज्यादा चीप मेहनत लग रही हो ना, मतलब कि जो आप चीपर तौर पर उगा पा रहे हो और जल्दी से उगा पा रहे हो, और स्पेशलाइज्ड जिस चीज में हो आप वही उगाओ, बाकी मत उगाओ, ठीक है। तो हमने वही करा, दोनों कंट्री में देखा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें, ये जब से अच्छा चावल उगा पा रही थी इंडिया, तो सॉरी गेहूं उगा पा रही थी, तो मैंने बोला आप गेहूं उगाओ, और जो हमारी अमेरिका है वो चावल अच्छा ज्यादा उगा पा रही थी, तो मैंने बोला आप सारे फैक्टर चावल में लगा दो, चावल ज्यादा उगाओ, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब इसका मैं डायग्राम आपको टेबल से समझा चुका हूं, अब आ जाते हैं डायग्राम की मदद से, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो कहने का मतलब है, अब देखो डायग्राम से समझे इसको, मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो इंडिया जो है जब
जब चावल दो उगा रही थी, गेहूं चार उगा रही थी, क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि इंडिया जब एक चावल उगा रही थी तो वो दो दाने गेहूं के उगा रही थी। डबल ही तो किया मैंने, मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। मैंने क्या करा कि इसको टू से डिवाइड कर दिया, इसको भी टू से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको टू से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा वन। तो मैंने वही लिख दिया कि इंडिया जब चावल एक दाना उगा रही थी तो गेहूं उसका डबल उगाएगी, गेहूं उसका डबल उगाएगी। वही तो है, दो का डबल चार है ना, बस मैंने वही कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना है, सॉरी कि कर्व बना के दिखाना है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। दूसरे में नीचे आ जाओ, अमेरिका में, अमेरिका वाले को भी दो से मैंने भाग किया, ऐसा करें। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आया टू, इसका आंसर आया वन, टू और वन। और मेरे को अभी भी आंसर नहीं मिल रहा था एग्जैक्ट। मैंने सोचा ये और ज्यादा कट सकता है, ऊपर वाला नहीं कट सकता ना, छोटे डिजिट आ गए ऊपर, बट नीचे वाला कट सकता है। तो टू और वन को मैंने फिर से काटा तो आ गया 0.5 और आ गया वन, ऐसे आ जाएगा 0.541। तो भाई अमेरिका जो है जब चार चावल उगा रही थी उस पर दो गेहूं मिल रहे थे उसको, हमने उसको जब डिवाइड किया तो हमने उसको ऐसा बनाया कि एक चावल और आधा गेहूं, एक चावल आधा गेहूं, क्योंकि इसको डिवाइड करके हमने निकाल लिया इस तरीके से, एक चावल और आधा गेहूं दोनों का रेशो निकाल लिया एक तरीके से मैंने, ठीक है। इसका रेशो भी निकाल लिया शॉर्ट फॉर्म में, इसका रेशो भी निकाल लिया शॉर्ट फॉर्म में। अब ये जो है एक और दो, एक और आधा, इसको लेके मैं आ गया यहाँ पे कर्व में। अब ये कर्व को ध्यान से समझो, ये जो कर्व लाइन है ये है प्राइस, ये है प्राइस, प्राइस किस चीज के, ये है चावल, मतलब कि चावल की क्वांटिटी कितनी उगा रही है वो दिखा रही है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरी गेहूं की क्वांटिटी दिखा रही है कि गेहूं कितना प्रोड्यूस हो रहा है। भाई देखो जो हमारी इंडिया है, पहले इंडिया को देखो, इंडिया क्या कर रही थी, इंडिया एक चावल उगा रही है और दो गेहूं उगा रही है। तो जो इंडिया है चावल राइस कितना उगा रही है, एक राइस उगा रही है, और गेहूं कितना उगा रहा है इंडिया का, भाई इंडिया का गेहूं उगा रहा है दो, एक मिनट सॉरी भाई ये नाम बस थोड़े से उल्टे हो गए हैं, इस जगह पे आएगा इंडिया, क्या कर दिया बताओ, ये आएगा यूएसए मतलब क्या अमेरिका, ये आपका अमेरिका है, ठीक है। तो देखो इंडिया क्या कर रही थी, जब एक चावल उगा रही थी तो दो गेहूं मिल रहा था उसको, तो इंडिया एक चावल उगा रही है तो दो गेहूं मिल रहा है, मैंने इस पे दो पे कर बना दिया, ठीक है। अब दूसरे देखो अमेरिका क्या कर रही है, एक चावल उगा रही है तो उसको कितना गेहूं मिल रहा है, 0.5 मतलब आधा गेहूं का आधा मिल रहा है, जो इंडिया उगा रही थी उसका आधा। तो मैंने यहां पर राइस पे एक कर दिया क्योंकि अमेरिका का राइस एक है और वीट 0.5 है, तो इसको आधे पर ले आया, दो से आधा यहां पे ले आया, ठीक है। तो ये 0.5 ये इतना वीट उगा रही है, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है ग्राफ, किसमें, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी के अंदर। यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाने ग्राफ और इस तरीके से आपको समझाना है एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी क्या है, ठीक है। एडम स्मिथ ने बेसिकली इस थ्योरी में यही बताया कि जो चीज में आप स्पेशलाइज्ड हो ना, जिस चीज में आप निपुण हो, जो चीज आप अच्छे से कर सकते हो, आपको वही चीज करनी है, दूसरी चीज आपको नहीं करनी है। जिस चीज में कॉस्ट ज्यादा आ रही है और जो चीज आपको नहीं आती वो आप बाहर से खरीद लो, बाहर से उसको ले लो, ठीक है। तो यही हर किसी को बताया, यही है एब्सोल्यूट थ्योरी। यहाँ पे हमने देखा कि जो कंट्री जिस चीज को बनाने में ज्यादा निपुण थी, स्पेशलाइज्ड थी, हमने वो उसको दे दिया डिपार्टमेंट। हमने देखा इंडिया जो है चावल ज्यादा नहीं उगा पा रही, गेहूं उगा रही है, तो हमने गेहूं को कर दिया डबल और चावल को जीरो। चावल हमने क्या बोला कि हम एक्सपोर्ट कर लेंगे भाई, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे मतलब। ऐसे मैंने अमेरिका को भी बोला, अमेरिका ने देखो यहाँ पे चावल उगाए थे ज्यादा, गेहूं उगाए कम, तो मैंने बोला आप गेहूं बंद कर दो, आप उगाओ सिर्फ चावल। इन्होंने चावल उगाए, 8 किलो चावल आ गए और यहाँ पे गेहूं हो गया जीरो। और ये जो गेहूं है ये कहां से मिलेगा इनको, ये हम ट्रेड करवा लेंगे इंडिया से, ठीक है भाई। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर भाई, इसके आगे चैप्टर में और कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे पूरा हो गया खत्म। बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 11 और 12, दो वीडियोज रह गई है, उसके बाद आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू कीप वॉचिंग। और हाँ, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हो कि सर नोट्स हमें बाय करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा 130-140 वो आप पे करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। सारे चैप्टर हैं नोट्स में, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स बाय कर लेते हो, गारंटी है अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी अलग से। और एक चीज और भाई, जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ ना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे नंबर हैंडल वगैरह, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल के ग्रुप्स वगैरह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो सारे चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लाइन वाइज सारे एक एक करके चैप्टर्स के लिंक लगा दिए, वहां से आप वॉचआउट कर सकते हो। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वो आएगी कल, अभी के लिए इतना ही, सी यू, टाटा, बाय बाय। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, पढ़ लो, बाय।